जनाब प्राइवेट इनिशिएटिव का क्या मतलब है? ऐसे काम को करने की कोशिश करना जो किसी ने करने को नहीं कहा, इसको हम ऑटोमेटिक रूल कहते हैं। इसको कहना गलत नहीं होगा। ये काम होने के प्रोसेस को मूव करता है, ये काम के होने का कारण बनता है। काम के किसी और के द्वारा किए जाने की वेट ना करें, खुद उस काम को करें। इस वर्ल्ड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी काम और सेवा में लगा दी, और इतना करने पर भी गरीबी ही देखी। वो ईमानदार थे, उनका लोगों ने भरपूर शोषण किया और वो गधे के समान काम से लाधे भी गए। अच्छे स्वभाव का कई लोगों ने फायदा उठाया। ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के लोगों को किस हद तक क्या सच बताना है। स्वार्थी लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की कमजोरी और ताकत का उन्हें अंदाजा हो जाता है। कोलू का बैल बनने की आदत के बारे में क्या कहेंगे जनाब? जब लोग आप पर काम थोपते ही जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे कि किए गए काम का उचित मुआवजा और कीमत मिले। मान लेते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर कभी कभी वो पक करके सड़ भी जाता है। आगे बढ़कर किसी के लिए काम करते समय ये मूल मंत्र हमेशा याद रखें कि कभी कभार इस बात का भी ध्यान रखें कि वो काम सोच समझकर किया गया हो, गोल को ध्यान में रख करके किया गया हो और उसकी उचित कीमत भी मिले। मतलब सब्र कीजिए और उस पर नजर भी रखिए कि सब्र का रिजल्ट किस ओर जा रहा है। कई बार यह जरूरी हो जाता है कि यह भी ध्यान रखा जाए कि सब्र का फल मीठा और पका तो हो ही, पर लोग उसे आपके सामने अच्छे से धोकर और तश्तरी में पेश करें।